अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल। मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में क्या है आज, हमारे मेन्यू में कि मैं झटपट सी क्विक सी जल्दी से बनने वाली सब्ज़ी बना रहे हैं, मिक्स सब्ज़ी बना रहे हैं। एक मैंने लिया है बैंगन बड़ा, चार अदद मैंने दरमियानी ली हैं गाजरें, एक का हमने लिए मटर और चार से पाँच अदद मैंने लिए हैं आलू, उसको चॉप कर शेप में काट लिया है, ठीक है। और तो एक बड़ी गड्डी प्याज के लिए जिसको मैंने फ्राई कर रही हूँ, एक कप हमने लिया कुकिंग ऑयल। तो चलते अपनी रेसिपी की तरफ। एक कप मैंने लिया था कुकिंग ऑयल, उसके अंदर एक बड़ी गड्डी प्याज की थी, चॉप करके मैंने डाल दिए। इसको हम लाइट सा पका लेंगे, बिल्कुल पेंचा कर लेंगे। आज हम बना रहे हैं मिक्स सब्ज़ी, बहुत ही सिंपल सी बना रहे हैं, सादे मसालों की बना रहे हैं जो कि बहुत आसानी से बन जाती है। तकरीबन ऐसे मसाले डालेंगे इसमें तो तकरीबन घरों में मौजूद ही होते हैं। प्याज हमारी नरम हो गई है, अब हम क्या डालेंगे, इसके अंदर ही हम डाल देंगे एक चम्मच जीरा, जीरे को हम थोड़ा सा भुनेंगे प्याज के साथ। वेजिटेबल में आप जानते हैं, मैं आपको हमेशा बताती हूँ, जब भी हम कोई सब्जी बना रहे हो तो हम उसमें प्याज को बहुत ज़्यादा नहीं पकाते, बस उसका पानी खुश करते हैं, लाइट सा टिंग टिंग सा हो जाता है, फिर हम उसको मसाले ऐड कर देते हैं, ना हम गोल्डन करते हैं ना हम ब्राउन करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें साथ ही हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट एक चम्मच, इसको हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे। अदरक लहसुन का अच्छे में ही नहीं डाला करने, अदरक लहसुन को थोड़ा सा पका लिया करने, साइड बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। जब कच्चा अदरक लहसुन में ही हम मसाले मिला देते हैं तो उसमें टेस्ट अच्छा नहीं आता, खुशबू भी नहीं होती इसकी, ठीक है। ये लहसुन हमारा पक गया है, अब हम साथ ही इसमें डाल देंगे एक चम्मच कुटी लाल मिर्च, एक चम्मच नमक। हमने मिक्स कर लिए, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसमें तमाम सब्जियां मिक्स कर दी है। तमाम वेजिटेबल को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें टमाटर मिक्स कर देंगे। टमाटर को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें कुछ नहीं मिक्स करेंगे, अब हम इसको इसी तरीके से कवर करके मीडियम आंच पे रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट में जब टमाटर का पानी खुश्क हो जाएगा, जो हमारी सब्जियां हैं इनका जो पानी होगा सब अच्छे से ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर बाकी ये मसाले मिलाएंगे, ठीक है। चलो इसको कवर करके रख देते हैं हम। टमाटर डाल के हमने अपने को 10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था, देखिए हमारी तमाम सब्जियां गल चुकी हैं, टमाटर का पानी भी ड्राई हो चुका है और जो सब्जियों का पानी होता है वो भी ड्राई हो गया है, हमारी तमाम सब्जियां गल चुकी हैं। मैं आलू चेक करके दिखा देती हूँ, ये देखिए आलू भी गल चुके हैं, मटर भी गल चुके हैं हमारे, गाजर सब। अब हमने क्या करना है, अब हमने
दो अदद बड़ी हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के, और इसके अंदर हम डालेंगे एक चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, एक चम्मच डालेंगे हम इसमें गरम मसाला पाउडर, और हम इसमें डालेंगे एक चम्मच चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। 5 मिनट के लिए हम इसे कवर करेंगे मिक्स करने के बाद, और फिर हम डिश करेंगे। ठीक है, हरी मिर्ची गरम मसाला और आज लास्ट में हमने सब डाल के इसको 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए कवर करा था। अब हमारी भुजिया बिल्कुल से रेडी है, अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। चूल्हा बंद कर देंगे हम, कि हमारे मिक्स सब्जी की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। आप इस पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का मेन्यू पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए मेन्यू के साथ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।